हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ईएमएफ इक्वेशंस इन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर ईएमएफ इक्वेशंस कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। इनमें साथ के साथ आपको सर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स और कॉइल पिच के बारे में या पिच फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा, और ये कैसे ईएमएफ को अफेक्ट करता है, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। सो इनको देखने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और पिच फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ इक्वेशन, और फिर हम देखेंगे कि उन पे पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले जनरल तरीके से, जैसे आप डीसी में ईएमएफ इक्वेशन निकालते हो, एज यूजुअल आप इसमें भी निकालोगे। ईएमएफ इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए कहता है, एन अल्टरनेटर और एसी जनरेटर, ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर और डायनमो, डायनमो छोटे लेवल पे बोलते हैं, ओके, इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल इनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ना, इनके बारे में काफी लैंग्वेज यहाँ पे दिया हूं कि अगर आपको एग्जाम में लिखना होता है थियोरेटिकली, तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, ना हमारा टारगेट होगा कि पहले ईएमएफ इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बाकी ये लैंग्वेज को लिखोगे कि कैसे ईएमएफ डेवलप होता है। ये रोटर है आपका, ये देखिएगा सर, ये रोटर है ना, और यही किसी फील्ड को, मान लो यहाँ पे एक एन पोल होता और नीचे कोई एस पोल होता, उसके कारण ये अगर घूमेगा और उसके फ्लक्स को कट करेगा, तो उसमें क्या डेवलप होगा सर? इसके रोटरी कंडक्टर पे ईएमएफ। मतलब बताऊँ ना कि कहीं भी अगर ईएमएफ डेवलप करना है तो किस तरीके से वो करेगा। इस तरीके से मशीन होंगे तो ईएमएफ कैसे डेवलप होता, तो कहता है कि ईएमएफ डेवलप अगर करते हो तो फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए सर? जब कोई फील्ड किसी कंडक्टर को कट करेगा, तो उस कंडक्टर पे क्या डेवलप होता है? ईएमएफ। अब वो ईएमएफ किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वही होता है हमारा ईएमएफ। जैसे ई इज इक्वल टू 4.44 ट्रांसफार्मर के अंदर भी निकलता है, फाई निकलता है, फ्रीक्वेंसी निकलता है, टर्न की संख्या निकलता है। ऐसा ही इक्वेशन यहां भी निकलेगा, लेकिन आगे चल के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और आपका पिच फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं ना। आप इस तरीके से सर इसके लैंग्वेज में इसको लिखोगे, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर व्हिच इज फॉलोड। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स, पी क्या होगा? नंबर ऑफ पोल्स। आपको एक एक चीज को बारीकी से नोट डाउन करना है। जेड क्या है सर? जेड नंबर ऑफ कंडक्टर या कॉइल साइड इन सीरीज पर फेज। ओके, सिंपल समझो, क्या है जेड सर? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। अब ये समझिए सर, अगर कोई कहेगा एक वाइंडिंग है, इस तरीके से वाइंडिंग की गई है, ध्यान से समझिएगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, ये है क्या, एक टर्न है ना, ये आप इसको बोलेंगे एक टर्न है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना है सर? एक ये और दूसरा ये जो सीधा सीधा कंडक्टर, इस पे इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ और इस पे भी होगा। ये इस पे कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये पोल के पैरेलल चलता है। ये देखिए, पोल यहां होगा और पोल यहां होगा, तो इसको अगर घुमाओगे, इसको अगर सर घुमाओगे, तो ये तो इसके पैरेलल हो गया ना, तो पैरेलल किसी फील्ड के, मान लो यहाँ एन पोल है और यहाँ एस पोल है, ओके, समझिएगा सर, तो एन पोल है, एस पोल है, और यहाँ से एन टू एस फ्लक्स जा रहा है, तो ये कंडक्टर अगर सर कट भी करेगा, ये जब इसको मैं घुमाऊंगा, इसको घुमाऊंगा तो कट भी करेगा, तो इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इस कंडक्टर पे। कंडक्टर की संख्या क्या होगी? दो। टर्न कितने हुए? एक। तो इन सब चीजों को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो जेड क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। जेड क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर। एक टर्न बोला गया तो उसका मतलब दो कंडक्टर है, क्लियर है? क्योंकि इस दो कंडक्टर पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ कॉइल साइड इन सीरीज पर फेज। एक फेज में कितने कॉइल साइड हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं जेड बराबर टू टी होगा। ऑब्वियसली दो टर्न, एक और दो कंडक्टर हो गए, टर्न टी क्या हो गया आपका, आपका टर्न्स हो गए, टी क्या हो गए, एक टर्न्स, एक कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर। जेड क्या है? टोटल
आपका टी है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है, और जेड बराबर टू टी है, वेयर टी इज द नंबर और क्वाइल और टर्न पर फेज, एक फेज पर कितने टर्न है उस चीज को दिखाता है। एंड यहां पे देखिए, नोट दैट वन टर्न और क्वाइल हैज टू एंड्स और साइड्स, एक टर्न में कितने एंड होंगे सर, दो एंड होंगे, एक और दो। ओके नाउ अब समझिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एफ, एफ जो लिया है सर ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए सर ध्यान समझिए, कॉइल्स आर इन सीरीज पर फेज, जेड इज इक्वल टू टू टी, ये मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, जितने टर्न्स हैं उसमें दो गुना से कर दीजिए तो वो टोटल कंडक्टर्स दे देगा, जितने टर्न्स, एक टर्न है। ओके ये टर्न्स की संख्या कितनी है सर, एक, इसमें दो से गुना कीजिए दो, तो टोटल कंडक्टर कितना दिया दो, क्लियर है। जैसे टी है, टी बराबर टर्न्स है, टी बराबर टर्न्स है, कोई कहेगा इसमें कितने टर्न्स, आपको वन टर्न्स, कितने टर्न्स सर वन टर्न्स, तो कोई पूछेगा वन टर्न्स में कितने कंडक्टर दो, यानी जेड बराबर कितने दो, क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइल लिया जाएगा मशीन के अंदर, जो पोल के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम यहां पे लेंगे फाइल। ओके नाउ एन रोटर की स्पीड होगी, एन क्या होगी स्पीड ऑफ रोटर, एन क्या होगी स्पीड ऑफ रोटर, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा सिंक्रोनस मशीन में सर, एक चीज ध्यान रखना आपको, सिंक्रोनस मशीन में चाहे मोटर हो या जनरेटर, एन हमेशा बराबर किसके होगा एनएस के, एन हमेशा बराबर किसके होगा सर एनएस के। आपको एक बोलेगा सर ऐसा क्यों, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज मतलब दोनों साथ साथ, यानी यहां पे एन क्या है स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर, तो एनएस क्या है सर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड क्या है सर, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड मतलब फील्ड की गति, सो बराबर होता है, तो इसमें किसी का भी फॉर्मूला बोले, यानी एन बराबर बोले तो मतलब एनएस का ही फॉर्मूला लगा सकते हो 120 एफ अपॉन पी, इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। जबकि इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर जनरेटर के अंदर एनएस एन के बराबर नहीं होता, क्योंकि मोटर में हमेशा सिंक्रोनस फील्ड से थोड़ी पीछे चलती है रोटर की स्पीड, जबकि इसके अंदर सेम सेम चलती है, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ, सिंक्रोनाइज होकर चल रहा है, ये ऐसे चल रहा तो ये भी ऐसे चल रहा, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है। ओके नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सर, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, अभी अपने को यूज आएगा, लास्ट में लिखना है, थोड़ी सी एक लाइन लिखेंगे बस, के डी और के एफ आगे यूज करेंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूं, इसके बारे में अच्छे से जानकारी हम लेने वाले हैं। ओके सो के डी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ओके जिसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी यूज कर ले रहा हूं सर, आगे की क्लास में मैं इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या होता है कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, ओके उनकी चर्चा होगी। सो तो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बस केडी का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, अगर किसी वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसमें देखिए क्या होता है, आपके पास ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, तो दो सेकेंड के लिए ये वाइंडिंग है सर, अब या तो एक जगह इस वाइंडिंग को कर दो, या फिर इस वाइंडिंग को एक बार यहां किया, फिर यहां किया, फिर उतने वाइंडिंग को आपने क्या किया सर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उतने वाइंडिंग को क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये भाई साहब कह रहा है कि देखिए इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जब किसी वाइंडिंग को एक ही जगह कंसंट्रेट कर दो तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और उसी वाइंडिंग को बार बार अब क्या करो अलग अलग जगह बांट दो, कुछ कुछ मतलब 10 तार है तो एक 10 तार एक ही साथ लपेट दो तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड, और 10 तार में दो दो तार करके पांच जगह बांट दो तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके तो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होते हैं और जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ डेवलप होता है मान लो E2, और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के कारण अगर मान लो एक वाइंडिंग है और किसी मशीन में कंसंट्रेटेड किए एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड किए, तो ऐसा देखा गया कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में वोल्टेज कम उत्पन्न होता है एज किसके तुलना में
सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में वोल्टेज कम उत्पन्न होता है किसके तुलना में, कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग के तुलना में। सो यही है फैक्टर, कितना कम होता है उसी को केडी बोलते हैं, इनकी चर्चा आगे करेंगे। ओके, सो ईएमएफ विद डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तब कितना ईएमएफ डेवलप हुआ, या डिवाइडेड बाय ईएमएफ विद कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। मतलब कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग में ईएमएफ अगर एक हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में ईएमएफ जरूर 0.9 हो जाएगा, एक से कम ही होगा, 0.8 हो जाएगा, 0.9 होगा, 0.9.5 हो जाएगा, एक नहीं हो सकता। सो कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग में अगर आप ईएमएफ लेंगे एक, के डी का मान अगर एक लेते हो, तो आप ये समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में आपको के डी का मान एक से कम ही होगा हमेशा। क्लियर है, ये मतलब होता है। जब जब भी अपन कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं तो ईएमएफ अगर 100 वोल्ट मिलेगा किसी जनरेटर में, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उतने ही वाइंडिंग को, तो उसमें वोल्टेज हो सकता है 99 वोल्ट मिले, 98 वोल्ट मिले। तो कोई कहेगा कि लड़का सर मान लो कि अपने को इसमें कंसेंट्रेटेड में 100 वोल्ट मिलता है, इसमें 98 मिलता है, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, कंसेंट्रेटेड कर देंगे। सर प्रायोरिटी ये डिपेंड करता है आपके मशीन पे, अगर आपकी मशीन बहुत ज्यादा स्पीड में है तो आप कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग को प्रीफर नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूटेड को प्रीफर करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसके कारण कंसेंट्रेटेड को ही प्रीफर नहीं, सॉरी कंसेंट्रेटेड को प्रीफर नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटेड को प्रीफर करते हैं। सो इसके लिए आपको कंपनसेशन कुछ करना पड़ता है, वोल्टेज से ही करना पड़ेगा। ओके, सो यही मेथड होता है कि कंसेंट्रेटेड की तुलना में डिस्ट्रीब्यूटेड का वोल्टेज डेवलप थोड़ा कम होता है। दैट्स वाई ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड करने पे कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, मान लो 98 वोल्ट डेवलप हुआ, और कंसेंट्रेटेड में आपको पता ही 100 होगा, सो कितना हो गया 0.98 केडी। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का करने के कारण फैक्टर एक आया डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर कंसेंट्रेटेड करते ना तो कंसेंट्रेटेड में वो अगर एक वोल्ट मिलता तो डिस्ट्रीब्यूशन करने में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर वोल्टेज उस जनरेटर में उत्पन्न होता है तो वो होता है 0.9। तो क्या हो गया, एक ऐसा फैक्टर हो गया जो कर रहा है कम कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण एक फैक्टर डेवलप होता है। ओके, बाकी इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा होगी। नाउ सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी का फॉर्मूला जो आएगा फाइनली, जब इनके वैल्यू को वोल्टेज को लिखेंगे इनके वैल्यू को, तो आता है फॉर्मूला आगे इक्वेशन में डेराइव होके, साइन एम, जहां एम क्या है नंबर ऑफ फेजेज होते हैं, डॉट बीटा बटा टू, बीटा एक एंगल है, बीटा कौन सा एंगल है उनकी भी चर्चा कर दे। सर बीटा कौन सा एंगल है, हालांकि यहाँ पे आगे ही चर्चा करना था। चलिए ये पोल है, मान लो एन पोल है और ये एस पोल है, तो एन पोल एस पोल में टोटल कितने स्लॉट हैं, टोटल कितने स्लॉट है उस स्लॉट में डिवाइड कर दो। मान लो एन पोल एस पोल है, एन पोल एस पोल में दो ही सेट पोल है, पहले आप समझिए ये पोल दो है, दो पोल है, उसमें स्लॉट रोटर पे कितने हैं ये ध्यान रखना। मैं कहता हूं एन पोल पर, एन पोल की डिग्री कितनी है सर, 180 डिग्री, कितनी है सर 180 डिग्री, 180 डिग्री इसकी भी है। ओके, अब इसमें किसी ने कहा टोटल कितने हैं, 9 स्लॉट है, कितने है सर 9 स्लॉट है, तो बीटा का मान पता है कितना होगा, 9 स्लॉट है तो 180 बटा 9, 180 बटा क्या हो गया 9, तो कितने डिग्री हो गए यहाँ पे आपको, हो गया 20 डिग्री, क्या हो गया सर 20 डिग्री। ओके, तो अगर एक पोल पर 180 डिग्री है और आपका 9 स्लॉट है, टोटल 9 स्लॉट है, इसका मतलब एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी कितनी होगी सर डिग्री में, 20 डिग्री, दैट्स व्हाई उसी को बीटा बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है सर बीटा। क्लियर है, सो टोटल फुल पिच में बोले, टोटल अगर कंप्लीट में बोले तो 360 में कितना हो गया, 18 स्लॉट्स होते हैं, तब सर 360 डिग्री था, तो एक पोल पर कितना, तो एक पोल पर 180 डिग्री और स्लॉट 9 पड़े तो 20 डिग्री, सो दो स्लॉट्स के बीच जो गैप होता है ना उसको अपन कह रहे हैं बीटा। ओके, चलिए बाकी इसको अच्छा से देखेंगे, फिलहाल आ गया है तो मैं समझा देता हूं, वही बीटा बटा टू फिर बटा एम इंटू साइन बीटा बटा टू, मतलब ये केडी का फाइनल फॉर्मूला होता है, जहां एम क्या है नंबर फेज, थ्री फेज के लिए एम का मान 3 होता है। क्लियर, चलिए सो ये आपका वैल्यू केडी का फॉर्मूला हुआ फिलहाल, इसका आगे यूज करेंगे अपन, कंसंट्रेटेड का मतलब भी समझ चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी समझ चुके हैं। नाउ एक और टर्म आएगा आगे आपको, वो होगा पीच फैक्टर, क्या होगा पीच फैक्टर, कि जिसको किससे डिनोट करेंगे,
केपी से, जिसको किसे डिनोट करेंगे केपी से, या कॉइल स्पैन फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर बोलेंगे केसी इसी को, जो होता है कॉस अल्फा बाई टू। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा होता है कोडेड एंगल, कितना से एंगल ऊपर कर दिए। अल्फा किसको कहते हैं सर, एक सेकेंड के लिए खाली से देख लीजिए, अल्फा किसको कहते हैं सर, अल्फा किसको कहते हैं, एक सेकेंड, ये भी अल्फा भी मैं भी दिखा देता हूँ सर, वेट अ सेकेंड, ये अल्फा भी मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड। देखिए सर, एक्चुअल होता है क्या है, कोई मशीन होगी उसमें स्लॉट होंगे, यहां कंडक्टर, यहां कंडक्टर, यहां कंडक्टर, यहां कंडक्टर, इस तरीके से स्लॉट होगी मशीन के अंदर रोटर पे, हैं? ये सर आइए देखिए, देखिए होता क्या है, एक बार मान लो कंडक्टर यहां से है, यहां गया, अपन मानते हैं कि कंडक्टर ऐसे ऐसे वाइंड किए, है ना, ऐसे ऐसे लौटा के ऐसे ऐसे कर, एक कंडक्टर लपेटे, लेकिन कई बार क्या करते हैं, कॉर्डेड कोल कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। कॉर्डेड मतलब क्या होता है, इस कॉइल को यहां पे लपेट के नहीं, इसको कहां लपेटेंगे, यहां लपेटा जाए सर, कहां लपेटा जाए, आइए दिखाते हैं सर, इसको यहां ना लपेट के कुछ एंगल पे, है ना, कुछ एंगल पे ऐसे लपेट दिया जाए, कुछ एंगल पे ऐसे लपेट दिया जाए। सो अब ऐसे कंडीशन में एक चीज पाओगे, आप ऐसे कंडीशन में एक चीज पाओगे कि मान लो ये सेंटर है, पहले कंडक्टर इस तरीके से 180 डिग्री पे चल रहा था, अब आपने कंडक्टर को क्या किया सर, इतना एंगल से टेढ़ा कर दिया, इतना एंगल से क्या किया, कोडेड, जो सीधा सीधा लपेट रहे थे आप वाइंडिंग को, आपने क्या किया सर, अब यहां से यहां ऐसे ही पहले ही लपेटना शुरू कर दिया। सो 180 डिग्री से कम हुई, ये एंगल मान लो अपना अल्फा है, तो ये बचा हुआ कितना एंगल बचा, ये अल्फा का मान, ये क्या हो गया सर, अगर जो बचा हुआ वैल्यू है वो तो आपको क्या बचा सर, 180 माइनस अल्फा। सो अल्फा को बोला जाता है कोडेड कॉइल, मतलब जितना से 180 से अगर वाइंडिंग की जाती थी पहले, अब उसको कुछ एंगल पहले से करते हैं, सो ये अल्फा एंगल है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉइल। यही कॉस में यही अल्फा बाय टू लगा होता है, कॉस में यही अल्फा बाय टू लगा होता है, जिसकी आगे जानकारी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ सो ये केपी और केडी का यूज होगा इस इक्वेशन में, दैट्स वाई इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा है। पहले ये इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर केसी केडी के बारे में मैं बढ़िया से डिस्कस कर दूंगा। ओके, नाउ Now, if induced EMF assumed sinusoidal, सर अगर induced EMF sinusoidal है तो क्या KF क्या होता है सर, form factor, ये तो जानते ही हो, form factor क्या होता है सर, form factor आप लोग को नहीं पता, किसी को अगर भूल भी गए हो तो सर form factor it is the value of RMS ratio to average value. ओके, ये होता है फॉर्म फैक्टर, कभी भी याद ना रहे, ट्रिक आज बता देता हूं, जिंदगी भर याद रखना, आरएम ऊपर में ना तो ऊपर कभी भी आरएम वाला ही इक्वेशन लिखेंगे, कभी भी आरएम फॉर्म, आरएम आ रहा है ना, फॉर्म फैक्टर आरएम, तो ऊपर आरएमएस, तो नीचे हमेशा एवरेज से भागा दे देना, और इसका वैल्यू हमेशा कितना होता है सर, 1.11 होता है। अब कहोगे आरएमएस बाय एवरेज, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, आरएमएस बाय एवरेज, ये आरएमएस क्या है, ये एवरेज क्या है, आरएमएस तो सबको पता, पर एवरेज अगर एसी का कोई एवरेज लेता है तो वो तो जीरो होता है, फिर कैसे समथिंग बाय जीरो इनफाइनाइट नहीं हुआ, 1.11 हो गया, तो ये बहुत बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो चूंकि ये रेक्टिफाइड वैल्यू होता है, इन सब चीजों को हम कंपिटेटिव अप्रोच में बहुत बेहतर तरीके से देखते हैं ना। चलिए फिलहाल सर केएफ क्या होता है, फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द रोटर, दैट इज 160 बटे n, ओके, इतना सेकेंड, ईच कंडक्टर इज कट बाय फ्लक्स 5p वेबर्स। अब ये समझिए सर, n और 2n होते हैं, 2n कौन कौन से, उसकी चर्चा करता हूं सर, एक होता है कैपिटल n, एक होता है स्मॉल n। कैपिटल वन होता है स्पीड,
पर मिनट, ओके, और ये होता है स्पीड पर सेकेंड, ओके, स्पीड पर मिनट और एक होता है स्पीड पर सेकेंड। सो अगर पर सेकेंड की अगर कभी बात की जाए तो पर सेकेंड क्या होगा सर, कभी अगर बात की जाए तो पर मिनट बाय 60 होगा कि नहीं, पर मिनट बाय 60, ओके, ये होगी क्या, इसको क्या बोलेंगे सर, स्पीड पर सेकेंड, स्पीड पर सेकेंड, है ना। तो अगर आपसे ये पूछ ले सर कि आपकी स्पीड क्या होगी, द वन रिवोल्यूशन ऑफ द रोटर इज 60/n सेकेंड, एक रिवोल्यूशन में कितना लेगा, 60/n सेकेंड लेगा कि नहीं लेगा, बताइए सर, एक रिवोल्यूशन में कितना सेकेंड लेगा 60/n। पहले चीजों को समझिए, कोई कहता है, देखिए ध्यान समझिए, आप एक सेकेंड में 10 चक्कर लगाते हो, है ना, एक सेकेंड में 10 चक्कर, तो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितना सेकेंड, क्लियर ना, वही चीजें हैं, ध्यान फिर से समझिए, एक सेकेंड में 10 चक्कर, तो एक चक्कर में कितना सेकेंड, 1/10, क्लियर, वही बात है। अगर एन रिवोल्यूशन में, एन रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है सर, जितना सेकेंड लगता हो, तो फिर एक सेकेंड में कितना या एक रिवोल्यूशन में कितना, तो 60/n हो जाएगा, 60/ क्या हो जाएगा, एन सेकेंड, 60/n सेकेंड, क्लियर। नाउ ईच ऑफ द कंडक्टर कट बाय फ्लक्स क्यू इंटू पी, मतलब फ्लक्स इंटू पी, देखिए एक पोल पर फ्लक्स को, एक कंडक्टर एक पोल पर फ्लक्स को कट कर रहा है, तो एक पोल पे फ्लक्स पे कट कर रहा है तो ठीक है, उतना कट को कंडक्टर द्वारा कट हुआ, लेकिन पोलों की संख्या 2 नहीं 4 है 8 है 10 है 12 है, सो अगर पोलों की संख्या बढ़ेंगी तो सर उतना ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा, क्लियर। सो इसीलिए क्या हो गया, फाइ इंटू पी, क्लियर। नाउ डी फाइ बराबर फाइ इंटू पी एंड ऑल्सो डी फाइ बराबर 160 n बटा इतना सेकेंड, ओके, 160 बटा इतना सेकेंड। नाउ डी फाइ बराबर देन इंड्यूस्ड ई एम एफ पर कंडक्टर, अगर इंड्यूस्ड ई एम एफ पर कंडक्टर देखें तो डी फाइ बाय डी टी क्या होगा, डी फाइ बाय डी टी, ओके। सो यहां पे देखिए डी कितना फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है, तो फ्लक्स इनटू पोल, ये है चेंज इन फ्लक्स, और यहां चेंज इन टाइम, यहां क्या आएगा सर, चेंज इन टाइम, वेट अ सेकेंड, चेंज इन टाइम, टाइम लग रहा है ना, यहां कितना सेकेंड लग रहा है सर, डी टी, सेकेंड में जो होगा वो टाइम ही होगा ना, 60/n, ये सेकेंड में टाइम लग रहा है, तो ये भी सेकेंड है, डी टी इतना है, और कितना फ्लक्स को कट कर रहा है सर, तो यूनिट इकाई में कितना कट करेगा, फाइ इंटू पी, डी फाइ इसीलिए यूज किया गया। सो देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर, पर कंडक्टर पर एवरेज कितना होगा, डी फाइ बाय डी टी, डी फाइ के लिए यूज किया हूं फाइ इंटू पी और टी के लिए यूज किया हूं 60/n, तो वैल्यू क्या आ गया, फाइ एन पी बटा 60, फाइ एन पी बटा 60, ये चीजें आ गई। आइए सर इसको मान लो इक्वेशन ऑफ वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ आगे, बट वी नो दैट F is equal to this, मतलब ये n बराबर हमने बोला ना, कितना होता है सर, 120 F upon P, या F बराबर क्या हो जाएगा, NP बटा 120, ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन दिस, n का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, तो एवरेज EMF पर कंडक्टर 5P/60 और n का जो वैल्यू है उसमें कर दिया 120 f upon p, तो हो गया 2F5 वोल्ट, 2F5 आपका किस में आ गया सर, वोल्ट में, 2F5 किस में आ गया, वोल्ट में, वायर n इज इक्वल टू इतना आपने लिया है। इफ देयर इज z कंडक्टर इन सीरीज पर फेज,
अगर वहां पे क्या हो, जेड कंडक्टर, कंडक्टर संख्या क्या हो बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियसली है, देन द सिंक्रोनस जनरेटर एवरेज ईएमएफ पर फेज कितना होएगा सर, 2πf इंटू जेड वोल्ट। ओके, अगर अभी तो एक सिंगल कंडक्टर की बात की, अगर बहुत ज्यादा कंडक्टर हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा सर, जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, सो 2π, 2 भी आ गया, एफ भी आ गया, फाइव भी आ गया, 2 भी आ गया, एफ भी आ गया, फाइव भी आ गया, और अगर कंडक्टर बहुत ज्यादा हो यहाँ पे तो जेड भी आ गया वोल्ट्स, इसका 2 क्या हो गया सर, 4F5T वोल्ट्स, जहां पे जेड का मान आपको पता है 2T हो जाएगा, एक टर्न पे दो, एक टर्न है तो कितने कंडक्टर हो गए, दो, सो इस तरीके से जेड बराबर 2T आपने यूज किया है। तो ये तो एवरेज वैल्यू है, नाउ व्हाट अबाउट इट्स आरएमएस वैल्यू। ओके, चलिए उसकी बात करें, इफ द जेड कंडक्टर इन सीरीज पर फेज द सिंक्रोनस जनरेटर एवरेज यहां पर फेज क्या होगा, पर फेज 2π क्या होगा सर, ये चीजें तो वही है जितने जो मैं अभी कराया हूं, वही चीज है। ओके, ऑल्सो नो दैट फॉर्म फैक्टर इजकल टू आर एम एस बटा एवरेज। अब अपने को ना इस आर एम एस में लेना है, अभी तक जो वैल्यू हमारा निकल रहा था सर ये एवरेज वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है एवरेज में। इलेक्ट्रिकल में क्या लेना है सर, आरएमएस लेना है, इलेक्ट्रिकल में क्या लेना है सर, आरएमएस लेना है, दैट्स व्हाई आरएमएस वैल्यू जब भी निकालोगे सर, आप आरएमएस वैल्यू जब भी निकालोगे फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर जो होता है आरएमएस बटा एवरेज, चूंकि एवरेज तो अपने को नोन है, एवरेज अपने को नोन है, तो आरएमएस बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आरएमएस बराबर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू। सो फॉर्म फैक्टर एसी वेव के लिए क्या होता है, 1.11, और एवरेज वैल्यू आपने अभी गुना कर दिया इसको। ओके, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा सर वो कौन सा वैल्यू आएगा, वी आर एम एस, कौन सा वैल्यू आएगा सर, वी आर एम एस। ओके, वी आर एम एस इजकल टू 1.1 इंटू 4πf(t). So, इसको गुना करोगे तो 4.44 एफ इंटू टी इंटू पाई। सर ये क्या इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर में भी आया था ना, ये इक्वेशन तो ट्रांसफॉर्मर में भी आया था, वहां पे फैराडेज लॉ लगे, वहां भी सब कुछ हुआ। दिस इज द इक्वेशन फॉर कंडक्टर्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर क्या ये इक्वेशन है। ओके, नाउ मैं बात करूं सर यहाँ पे कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टर को यूज करें, सो V इज द एक्चुअल जनरेटर वोल्टेज पर फेज, KC इजकल टू पिच फैक्टर, KD इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, KF इजकल टू फॉर्म फैक्टर, F इजकल फ्रीक्वेंसी, T इजकल टू नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ओके, ना अब कहेंगे कि ना अगर आपको इफ अल्टरनेटर AC जनरेटर स्टार कनेक्टेड, यूजुअली स्टार कनेक्टेड अगर थ्री फेज, ये किसके लिए सर, सिंगल फेज के लिए, ये वैल्यू जो है VRMS जो आपको फाइनली मिला ये किसके लिए मिला है सर, सिंगल फेज के लिए, 4.44 F5T, ये किसके लिए है, पर फेज के लिए। अगर थ्री फेज की बात हो जाए, अगर सर बात, अगर आप कह कहते कोई ऐसी जनरेटर है स्टार कनेक्टेड है, देन यूजुअली द लाइन वोल्टेज √3 ऑफ द फेज एज ड्राइव। सो अगर लाइन वोल्टेज कभी कहे तो √3 ऑफ क्या होता है सर, फेज वोल्टेज, √3 ऑफ फेज वोल्टेज। सो अगर यहाँ पे लाइन वोल्टेज भी निकालना पड़े तो √3 × 4.445N होगा कि नहीं, ये चीजें आ जाएंगे लाइन वोल्टेज के लिए। चलिए नाउ नोट दैट एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन एज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द अल्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड द एक्चुअल अवेलेबल वोल्टेज ऑफ जनरेटर पर फेज। पर फेज वाला के लिए वोल्टेज क्या होगा सर, यहां पे आप बात करिए, अब समझिए, अभी तक जो भी ट्रांसफॉर्मर में आपने जो भी इसके अंदर जनरेटर में भी निकाला ये इक्वेशन नॉर्मल तरीके से निकाला, आपने कहीं भी केडी और केसी को कंसीडर नहीं किया। केडी केसी क्या होता है ये सर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, मतलब आपने जो
EMF निकाला, वो सीधा सीधा उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया KD, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था। अब समझिएगा यहां पे पर फेज V, पर फेज वोल्टेज कितना सर, 4.44 KC इंटू KD इंटू फाइ दिस इंटू दिस। अब समझिएगा सर, और TPS करने का मतलब पर फेज टर्न, एक पर फेज टर्न है। अब यहां पे समझना है सर, 4.4 KF KC KD F दिस 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 वोल्ट, ये क्या दिखा रहा है कि फॉर्म फैक्टर के टर्न में, ओके फॉर्म फैक्टर के टर्म में। लेकिन पर फेज वोल्टेज में अब कहोगे कि सर ये अपने मन से आपने क्यों गुना किया, KD और KC अपने आप को क्यों गुना किया। देखिए इसको अपने आप हमने इसलिए गुना कर दिया, इसको ध्यान समझिएगा, इसको अपने आप हमने इसलिए गुना कर दिया कि KD KC और KD सर इसका मान ऑटोमेटिक 1 होता है। इसका मान क्या होता है, 1 अगर वाइंडिंग आपने कैसा यूज किया, कंसंट्रेटेड सर, अगर मशीन के अंदर आपने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किया, मतलब टोटल वाइंडिंग एक ही जगह आप कर रहे हो, किसी एक ही पोल पे कर रहे हो, तो ऐसे वाइंडिंग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, तो KD आप गुना भी कर दे इसका मान 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कोई जनरेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो ऑब्वियसली उसका वोल्टेज 1 से कम होगा, ऑब्वियसली उसका वोल्टेज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज में कंसंट्रेटेड की तुलना में कम वोल्टेज डेवलप होता है ऑब्वियसली। सो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया तो आपका टोटल वोल्टेज में वैल्यू कुछ ना कुछ घट जाएगा, इसलिए KD को गुना कर देते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड है तो KD के हटा दो तब एक ही रहेगा मान, तो कोई बात नहीं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है तो KD आपको यूज करना पड़ेगा, और KD के जगह पे 0.9 आपको यूज करना पड़ेगा यूनिटी में। अगर कंसंट्रेटेड में 1 वोल्ट होता है तो यूनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या यूज करना पड़ेगा, 0.9 के आसपास, मतलब बता रहा हूं, ओके। सो वोल्टेज को कम कर देगा, इसीलिए इसको यूज कर लेते हैं। नौ, रही बात KC, KC या इसको बोले KP, ओके इसको बोलते हैं आप पीच फैक्टर, क्या बोलते हैं सर, पीच फैक्टर। तो पीच फैक्टर कहता है कि देखिए इसका मान भी 1 होगा, पीच फैक्टर भी कहता है कि अगर इसका भी KC का मान भी क्या होगा, 1 फॉर फुल पीच, फुल पीच। अब समझ लीजिए एक बार, फुल पिच किसको कहते हैं सर, अगर कोई कंडक्टर है और यहां से उसकी लपेटा आपने क्या किया है, यहां से लपेटा एकदम इसी तरीके से लपेटा लगा लगा के कंडक्टर अपने वाइंड किया है, तो कितना डिग्री पे किया, इसको फुल पिच पे किया, मतलब 180 डिग्री पे आपने इसकी पिच रखी है। तो इस कंडीशन में KC का 1-1, तो यहाँ KC का 1-1 रखने से कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई बोल देगा कोडेड कॉइल आपने यूज किया, क्या किया, कोडेड कॉइल, कोडेड कॉइल का मतलब है सर ये वाइंडिंग आपने 100% 180 वाला पर नहीं किया, तिरछा से कर लिया, तब KC का मान क्या होता है, लेस देन 1, तब आपका वैल्यू वोल्टेज का घट जाएगा। सो फेज वोल्टेज में KD KC नहीं भी हो तो चलेगा, कभी नहीं भी हो चलेगा, लेकिन कब वाइंडिंग कंसंट्रेटेड हो तो KC हटा लो, उठा के कोई फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और KC का मान KC को भी हटा दो लेकिन तब फर्क नहीं पड़ता मशीन में, जब वो फुल पिच में हो, तब इक्वेशन में ये दोनों ना भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपकी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो KC को इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा सर, अगर आपका वाइंडिंग फुल पिच ना हो तो इस इक्वेशन में KC को डालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस इक्वेशन को एटलीस्ट आपने अच्छे से समझा होगा, इस इक्वेशन को आपने अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से इक्वेशन वैल्यू बताता है, डेरिवेशन के थ्रू आइए, पर इस इक्वेशन इतने में KD KC को आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, इतने में सर आप KD KC को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जब ये चीजें जान गए तो फिर चलिए जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर EMF इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, कंसीडर द वाइंडिंग, ये क्या है, पर फेज वोल्टेज निकला था ना कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, यही नहीं निकला था कंसंट्रेटेड के लिए बोले या जनरल इक्वेशन बोले तो यही था, है ना। बट अगर KD KC को डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आप कर दोगे, है ना, अगर आपने वाइंडिंग जनरेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, ओके, सो इसके कारण पर फेज वोल्टेज घटेगा, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्या करेगा सर, रिड्यूस करेगा, KC और KD एक फैक्टर आ जाएगा उस मशीन में। सो जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ EMF इक्वेशन सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर कैन बी, क्या हो जाएगा सर, ये देखिए आ गया ना,
हमने बोला ना केसी और केडी, तब मशीन के इक्वेशन में आपको डालना ही पड़ेगा जब हो सकता है कि मशीन कंसंट्रेटेड के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वाइंडिंग आपने डिस्ट्रीब्यूटेड किया, और फुल पिच के बजाय आपने कोडेड कॉइल का इस्तेमाल किया, मतलब कुछ एंगल पहले आपने वाइंडिंग कर दिया, तो इस कंडीशन में केडी केसी इक्वेशन में डालना ही पड़ता है, केडी केसी इक्वेशन में डालना ही पड़ता है। अगर फुल पिच होता तो अब केसी बराबर वन कर दीजिए, कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग हो गया तो केडी बराबर वन कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन जानकारी को सर जनरलाइज फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आपका जनरल इक्वेशन तो कैसा था, ऐसा निकला था जनरल इक्वेशन, पर फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज ऐसा निकला था, पर फेज वोल्टेज भी हमने देखा वो कितना है सर 4.445 TF, ये जनरल इक्वेशन है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो जाए, लेकिन सर जब आपका कोडेड कॉइल हो, फुल पिच ना हो, तब इसमें केडी केसी लगाने की जरूरत है। ओके और केएफ क्यों लगाते हैं सर, आप कोई कहेगा सर केएफ, देखिए केएफ क्यों यूज करते हैं, केएफ अभी इसलिए लगाया हमने, ये भी समझ लिए, अभी तक हमने केएफ का वैल्यू क्या यूज किया 1.11, और 1.11 जो होता है फॉर्म फैक्टर वो साइनोसोइडल वेव के लिए होता है, तो साइनोसोइडल के लिए अगर फॉर ये 1.11 यूज किया, किसके लिए सर साइन वेव के लिए, कैसे एसी के अंदर साइन वेव यूज किया। अगर कोई कह दे कि नहीं हमारा स्क्वायर वेव है तो केएफ का मान वहां पे 1 हो जाता है, तब आप 1.11 के जगह पे आप यहां पे 1 इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से केएफ का भी ख्याल आपको रखना होता है सर, केएफ का भी ख्याल रखना होता है। केएफ का वैल्यू वेरी करता है अलग अलग आपके इक्वेशंस के थ्रू ना, तो यही है, आई होप आपने इसको देखा। सो एक चीज, एक पॉइंट आप उसी पॉइंट को यहां पे लिखा गया, फॉर शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग केसी एंड केडी आज और आर ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ऑब्वियसली केसी हो या केडी हो इसका वैल्यू हमेशा एक से होगा अगर वाइंडिंग क्या होगा सर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और केसी का मान भी एक से कम होगा अगर वाइंडिंग क्या होगा सर शॉर्ट पिच मतलब फुल पिच नहीं है, इसलिए एक से कम होगा, इसको शॉर्ट पिच बोलते हैं या कोडेड कॉइल बोलते हैं, कोडेड मतलब जो फुल पिच पे ना हो उसको कोडेड बोलते हैं। ओके तो मैं उम्मीद करूंगा सर ईएमएफ इक्वेशन के आप वैल्यू को आपने अच्छे से समझा होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे के उसके बारे में पूरा, केडी क्या होता है और आपका केपी क्या होता है। ओके बेस्ट ऑफ लक।